आज असीं जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक कल वाली वीडियो का ही अगला पार्ट है, पार्ट फोर है। सो कंजरवेशन ऑफ लॉज के ही आता है। सो सब ये हैगा कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सब तो पहला सानू एंगुलर मोमेंटम समझनी पैनी भी की होंगी चीज़, उस तो बाद कंजर्व करा। सो एल असी डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम के नाल। ये होंगे कि एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होंगे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इनू समझने लिए हम देखो की चीज़ है पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और ए पार्टीकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम मान लो देखो हम कोई पार्टीकल है, मान लो आ पार्टीकल आ एक किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के उत्ते घूम रहा है इस तरीके। मान लो ये सेंटर आ, ये कोई सेंटर एक्सिस आ, तो पार्टीकल जिहड़ा इहदे आले दुआले इस तरीके नाल ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, सेंटर एक्सिस के दुआले। हम देखो की कहिंदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहड़ा होया, इस जगह तो लैके इस जगह तक का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। हुण एंगुलर मोमेंटम कि हुई यदि वो हो गई, यदा मास किन्ना है तो यदि वेलोसिटी किन्नी पार्टीकल की, ठीक है। यदि एंगुलर मोमेंटम हो गई पी इंटू आ जिन्ना डिस्टेंस है, ये है अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो एल मान लो इन, ठीक है। ये हो गए बराबर कहदे आ, ये हो गए साढ़े ली एंगुलर मोमेंटम के बराबर। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और ए पार्टीकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टीकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये होंगे साडा एंगुलर मोमेंटम। हुण कहिंदे भी एक आइसोलेटड सिस्टम के बच्चे की होंगे एक आइसोलेट, ये लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कहती है भी अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोमेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्वड इफ नो एक्सटरनल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। हुण कहिंदा भी ये पार्टीकल जिवें हुण मान लो सेंटर में इत्थे सूरज है तो अर्थ के दुआले घूमती है, हमेशा तो घूमी जा रही है, इदां ही घूमती भी रहनी है अगे। हुण ये कोई सेंटर एक्सिस आ, हुण कहिंदे भी जदों तक इस पार्टीकल दे उत्ते आ जिहड़ा पार्टीकल इस सेंटर दे आले दुआले घूम रहा है, जदों तक इहदे उत्ते कोई एक्सटरनल फोर्स एक्ट नहीं करनी। हुण एक्सटरनल फोर्स कि होगी, एयर जी हुण मतलब सर्कूलर मोशन के जी फोर्स लगती है उन्होंने असं टॉर्क कह दें, ठीक है, होर कोई फर्क नहीं होंदा बहुता ज़्यादा। जदों तक ये तो कोई एक्सटरनल टॉर्क एक्ट नहीं करता उदों तक कि उदों तक यदा मोशन जो सारा कंजर्व रहना, इन्हें घूमी ही जाना लगातार। यह है साडा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो नैक्सट साढ़े को आते हैं, नैक्सट साढ़े को आते हैं लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ सिमिट्री ऑफ नेचर। हुण असी जो पहला लॉज पढ़े सारे जिन्हें भी कंजरवेशन के लॉ पढ़े है, हुण ये देखना भी है भी वह स्पेस दे बच्चे सही भी रह रहे हैं सारे, हरेक जगह के उत्ते सेम रिजल्ट दे भी रहे हैं। सो इस तरीके से असी कंजरवेशन लॉज नूं असी किदां ड्राइव कर सकते हैं, ये असी ड्राइव कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम तो, स्पेस ते टाइम दी प्रॉपर्टीज़ तो असी इन्हां नूं ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, जिहड़े सिमिट्री नूं ड्राइव कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज़ हुण ये जिहड़ी प्रॉपर्टी आ के कंजरवेशन लॉ स्पेस एंड टाइम दी प्रॉपर्टियां आ, तो उन्हां विचों असी किहड़ी प्रॉपर्टी देखनी है, फर्स्ट असी देखनी हैगी आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एंड टाइम। दूजी असी देखनी है होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। सो असी ये दो प्रॉपर्टीज चैक करनी है हरेक लॉ के अकॉर्डिंगली, असी देखना भी जे जिन्ने भी लॉज है वो सारे इन्हां दे उत्ते काम करते कि नहीं करते। हुण सब तो पहली साडी प्रॉपर्टी आ गई है होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस, स्पेस की होमोजेनिसिटी। हुण देखो ये की कहिंदे आ भी समझ लो भी असी एक एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्सपैरीमेंट है मान लो कोई भी हो गया भी सेम तरीके का आइडेंटिकल आ, हुण सारे का सारा स्पेस है, ओपन स्पेस है अर्थ तो बाहरला, ठीक है, अर्थ तो उपर जो असं जाने तो सारा स्पेस ही स्पेस है। हुण देखो एक हो गया आ सूरज हो गया साडा, आ कोई भी बाहरला स्पेस है, एक ये हो गई अर्थ, एक एक्सपैरीमेंट असी इतने इस जगह उत्ते किसी भी जगह पर एक्स वाई जेड जगह उत्ते परफॉर्म करते हैं। आइडेंटिकल एक्सपैरीमेंट मान लो सेम ही एक्सपैरीमेंट असी किसी होर जगह के उत्ते स्पेस से परफॉर्म करते हैं, सो ये दोनों ही जेडे सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है जी। इस चीज़ को कहते हैं होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस। इस चीज़ इस तरीके इस होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस जी उत्ते कि लॉ बेस्ड आ, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जिहड़ा लॉ आ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इमर्ज फ्रॉम द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, ये तो असी ये लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, ये जिहड़ा लॉ आ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इमर्ज फ्रॉम द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। सो नैक्सट साढ़े को आँदी है आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रोपी के होना इस जगह से पहले स्पेस है, स्पेस की हरेक जगह के उत्ते कितने भी जाके असी सेम एक्सपैरीमेंट करा, एको एक्सपैरीमेंट करा तो सेम रिजल्ट दूगा। हुण देखो अगला है आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, ये की होगा, ये डायरेक्शन आ जाए जी साड़िया। हम देखो कोई भी डायरेक्शन है, चाहे आप ले लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट तो वैसट। हूँ इधर की आ जाऊगा अपने को नॉर्थ वैसट आजगा, इधरले पास ईस्ट नॉर्थ आजगा, फिर ईस्ट साउथ आजगा, तो इधर साउथ वैसट इस तरीके आ जाऊगा। हूँ देखो असी अगर एक एक्सपैरीमेंट आइडेंटिकल एक्सपैरीमेंट किसी भी डायरेक्शन के परफॉर्म करिए, हम तुम अपनी समझ लो भी कैमिस्ट्री की लैब या फिजिक्स की लैब ला लो, हम तुम किसी भी खुंजे जाके असी एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करो, एको ही एक्सपैरीमेंट। अगर तुम पहले लैफ्ट वाले खुंजे जाके परफॉर्म करो, फिर राइट वाले कोर्नर जाके परफॉर्म करो, तो वह रिजल्ट सेम ही आना। ठीक है, इस तरीके स्पेस के किसी भी डायरेक्शन वालों मूव करके, किसी भी डायरेक्शन मूव करके, किसी भी डायरेक्शन वालों असी जो फेस करके एक्सपैरीमेंट करा, आइडेंटिकल एक्सपैरीमेंट होने चाहिए है पर। ठीक है, तो उन्होंने रिजल्ट की होना, वो सेम ही रिजल्ट देंगे। ठीक है जी, तो ये उत्तों असं की कहने कंजरवेशन ऑफ एंगुलर कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इमर्ज फ्रॉम द लॉ ऑफ आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। ये तो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस तो असी एंगुलर मोमेंटम का लॉ इमर्ज किया हुआ है। ठीक है, सो नैक्सट है साढ़े को होमोजेनिसिटी ऑफ टाइम। सो सेम ही तरीके असी अगर आइडेंटिकल एक्सपैरीमेंट एक्सपैरीमेंट परफॉर्म्ड अंडर सेम कंडीशन टूडे और अ ईयर लेटर, चाहे असी अज एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करिए चाहे अ ईयर लेटर, आइडेंटिकल एक्सपैरीमेंट हो सेम कंडीशनस हो सेम कंडीशनस सेम कंडीशन मतलब टैंपरेचर प्रैशर टैंपरेचर प्रैशर तो ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा इस तरीके दे सेम कंडीशन हो, चाहे असी अज एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करिए चाहे एक साल बाद करिए चाहे दस साल बाद करिए, उन्हों का रिजल्ट जोड़ा वो सेम ही आना चाहिए, सेम ही आऊगा। ठीक है, इस चीज़ को कहने आप होमोजेनिसिटी ऑफ टाइम। हुण फॉर एग्जाम्पल असी एक कोई रॉड आदि मान लो आप लेंथ हूँ इस सौखे तो सौखा मैं थोड़ा दसन लगा भी एक लेंथ आप मेजर कर लीए, कोई भी रॉड है यह वाली समझ लो आ रही रॉड आई लेंथ कि आई है अपने को 2 फुट आ गई है समझ लो लेंथ यदि, तो अगर अभी 10 दिन बाद की लेंथ चकी चैक करिए 2 फुट ही आनी, चाहे 10 साल बाद करिए चाहे 20 साल बाद करिए फिर भी इन्नी आनी है। सेम तरीके ही कोई एक्सपैरीमेंट चाहे कैमिस्ट्री का एक्सपैरीमेंट है चाहे अज परफॉर्म कर लीए सेम कंडीशनस होनी चाहिए, बट तो दू चाहे एक साल बाद कर लिए उन्होंने रिजल्ट सेम ही आने। इस तो असी कि लॉ इमर्ज किया है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ये चीज़ सर असी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी इमर्ज फ्रॉम द होमोजेनिटी ऑफ टाइम। होमोजेनिटी ऑफ टाइम तो असी लॉ इमर्ज किया हुआ। सो ये साडा पहला यूनिट सेगा, दूजे यूनिट दे लई प्लीज़ मेरी वीडियोज़ एंड चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू।